आपको पूछने जो नागपुर से आए है ना, वो इनका राजनीति से मतलब नहीं। इनको पूछा बाहर का लुक कैसा लगा, कहने भाई जोश आ गया बाहर में देखे भी कैसे बोले। हम पब्लिक को देखे, हम अपने अपने स्वार्थ ना देखे। हम अमृतसर के रहने वाले ऐसा कर दिया, सवाल है जो दुनिया से पब्लिक आ रही है वो देख रही कैसा लगा जी आपके सामने। देखो मैं ये पवित्र स्थान नूं जिथों मैनूं प्रेरणा मिली सी अपने दादा जी नाल है ना, उस तो बाद आपां देश भगती दे काम चल रहे। मैं अखबारां च सुन रहा, पढ़ रहा, टीवी ते सुन रहा, लोग इतराज कर रहे ने। मैं उन्हां लोकां नूं एक गल जरूर पूछनी चाहना है, एक स्पष्ट उन लोगों से मैं पूछना चाहूँगा भी आप 95 के बाद कहाँ थे भाई। 95 जब मैं काला पानी गया था, हजारों नौजवान अपने दोस्त लेके प्लेनों में, और वापस आके नरसिम्हा राव जी को बोला था, प्राइम मिनिस्टर थे, कि नरसिम्हा राव जी हम टिकट बहुत महंगी लगती, हम सब लोग नहीं जा सकते, तो कहते क्या करना चाहिए। मैं कहा ये करिए कि जलियांवाला बाग के इतिहास को और उजागर करें, थोड़ा सा काला पानी का भी जिक्र हो। तो उन्होंने तीन मेंबरी कमेटी बनाई थी, एक थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, एक PMO के मिनिस्टर चतुर्वेदी जी, और एक कमेटी में मैं था और कुछ आर्टिस्ट थे, और मुखर्जी साहब सामने बैठे। हम आए उस वक्त, कोशिश की काम करने की, मेंबर भी हम बने, उस कमेटी के मेंबर भी थे, पर कोई काम हुआ ही नहीं। हुआ है तो उसका कोई मायना नहीं। आज अगर कुछ काम किया है, गवर्नमेंट ने काम किया है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ आते वहाँ से उनको उद्घाटन इसका किया है, तो कौन सी की चीज़ गलत है आप मुझे बता दीजिए, कौन सी चीज़ गलत है। क्या वो लोग चाहते हैं कि धीरे धीरे सब ढेरी हो जाए, जो पुरानी विरासत, हमारी इमारत, हमारा जो खून से छजा हुआ हिंदू मुसलमान सिखों का इतिहास क्या ख़त्म हो जाए। कौन चाहता है इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना, किसी को छेड़छाड़ करके मिलेगा क्या, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। अब बाहर से मैं अंदर आया, मुझे मन को देख के इतनी खुशी हुई, जिस दीवारों पे इतराज कर रहे हैं वो तस्वीरें बता रही हैं कि माएँ कैसे अपने बच्चों के साथ, अपने पतियों, अपने बच्चों, अपनी बहन, उनके साथ जलियांवाला बाग के अंदर उस जनरल डायर की जो गोलियां थी उनका मुकाबला करने के लिए, कि भारत माता को अंग्रेजों की शंजीरों से छुड़ाना है और सीने पे गोलियां खानी है, ये इतिहास बता रहे हैं। क्या है उसमें गलती मुझे बताइए। अगर सामने वो शहीदों का कुआं है, अगर कुएं को लुक एक पुरानी दे दी, उस पूरी दीवार को अगर मजबूत कर दिया कि आने वाले 20 साल तक इस दीवार टूटेगी नहीं, तो क्या बुरा किया जी। मेरा सवाल है उनसे, घर में बैठे नुक्स निकालना हर पॉलिटिकल पार्टी का, कुछ चंद लोगों का काम हो गया, घर में बैठे बयान जारी कर दो। अगर हिम्मत थी तो जोर लगाते ना। मैं 96 से जोर लगा रहा हूँ मुखर्जी साहब सामने, 96 से संघर्ष कर रहा हूँ, आखिर में हाथ खड़े करके हार गया। मैं कमेटी से मुझे हटा दिया, मैं चुप बैठ गया, लगा रहा, मैं कोशिश करता रहा मुखर्जी साहब से सलाह करके, कुछ नहीं हुआ। आज कोई मैंने कोशिश नहीं की, कोई मैं किसी को मिला नहीं, घर बैठे हमारी इच्छा, उन शहीदों की तमन्ना, उन शहीदों की जो ऊपर रूह आज देखती होगी, जरूर कहती होगी कि हमें याद किया है। कम से कम आज जो लोग आए हैं सामने बैठे, मेरे बच्चे, मेरी बहनें, मेरे भाई, जो देख रहे हैं इतिहास को, जब अच्छे देशभक्ति के गाने सुनते हैं तो जज्बा लेके बच्चे जाते हैं कि हम भी जाके मातृभूमि की आज़ादी की रक्षा करेंगे। उन्होंने आज़ादी लेके दी, जलियांवाला बाग की गोलियां सीने पे खा के, और बच्चे जरूर कहेंगे किसी ना किसी रूप पे हम इस आज़ादी की रक्षा करेंगे। बस देखो जी, मैं किसी का नाम नहीं लेना, बात हम सीधी सी करेंगे। राहुल गांधी की अकेली बात नहीं, किसी में आज अखबार में कोई सिख संगठन है उनकी भी चर्चा कर रहा था, उनकी भी चर्चा सुन रहा था। अरे करना कराना हमने कुछ नहीं, और नुक्स निकालने लग जाओ जलियांवाले बाग के इतिहास को, तो आके देख लो, मेरे से पूछ लो, मेरा तो जन्म यहाँ हुआ, ये मेरा घर, और ये मैं और ग्रैंडफादर के साथ मैं सैर करने आता था, वो घूमते थे, दीवारों का ले गया। मैं कहा ये दीवार पे निशान किस, कहते जलियांवाला बाग
ये जनरल डायरियों के गोलियों के निशान है, मिट्टी पे मैंने शपथ ली थी। उसके बाद तिरंगा झंडा लहराने की फिर शुरुआत की, फिर हमने बम गोलियां खाई। देखो जी मेरी एक बात सुनो जी, परिवार के हम साथ हैं। मैं समझूं अगर कोई काम अच्छा कर रहा है, परिवार को हम सबको शुक्रिया करना चाहिए और कहना चाहिए ये यादगार को और मजबूत करो। बेटा जी कुछ दिन पहले यहाँ पे आनंद पार्क पे शहीदी स्मारक जलियांवाला बाग का उद्घाटन किया था, उस पर बीजेपी ने एतराज जताया था, आखिरकार शहीदों पे सियासत क्यों? देखो जी पता नहीं एतराज किया नहीं किया, मैं उस मामले में क्यों जाऊँ। मुझे पता है जिसने भी ये किया है वो अच्छा किया। अगर मेरे पे मनमोहन सिंह जी पे किसी ने एतराज जताया था तो भाई उनको मुबारक। हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए, हमने को इलेक्शन लड़नी है यहाँ से। हम तो ये कहने हैं जो हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है और आगे इसको और आगे लेके जाएंगे। ये इतिहास आपके सामने गवाह है। इनके पिताजी, हम उनके चरण छूते थे, मेरे दादाजी आके बैठते थे, मैं बैठता था, सामने इतिहास है। इनको इतिहास पूछिए पहले क्या था अब क्या था। पर जो इतिहास इनके पिताजी के टाइम का बहुत ही अति सुंदर था, इन्होंने बेचारों ने जितनी हो सकते इन्होंने अपने दिल से लगा के अपनी ज़िंदगी अपने बच्चे अपना परिवार इस पर लगा दिया। इनको कितना सहयोग मिला होगा कभी अकेले पूछ लेना, आज इनको भी सुकून मिलता होगा भाई हाँ यहाँ कुछ सुंदर है, यहाँ अच्छा है, शहीदों की याद है। तो मैं हाथ जोड़ के उन भाइयों को बहनों को बुज़ुर्गों को कहूँगा, काम कोई अच्छा हो रहा है उसमें अड़चने न डाले, करना है तो खुद कर लें। हम सेंटर से परमिशन ले लेते हैं। अगर कोई कोशिश कहता है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ आ जाए मैदान में, मेरा भी सहयोग ले ले, जितने जो का मैं हूँ मैं कर देता हूँ, आ जाए हम जैसे क्या कर लेते। मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है ऐसा ना करें।